बुद्ध पूर्णिमा की खीर की तैयारी। आज 6 तारीख है। ये फुल क्रीम दूध है, इसमें पानी नहीं डाला जाता। सबसे पहले ये हम एक उबाल इसमें लेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाए कि दूध बिल्कुल ठीक है, फटेगा नहीं। बीच बीच में दूध को चलाते रहें। अगर दूध नीचे लग गया या जल गया तो उसकी स्मेल, उसकी बदबू पूरी खीर को खराब कर देगी, इसलिए चलाते रहें। ये हैं कच्चे बासमती चावल, लंबे वाले, भीगे हुए। 1 किलो दूध में 50 ग्राम चावल भिगोकर साफ कर डाले जाते हैं। दूध गर्म हो गया है, पता चल गया है कि ये फटेगा नहीं, तो इसमें ये चावल डाले जा रहे हैं। चावल डालने के बाद आंच को बिल्कुल सिम, जो कम से कम टेम्परेचर हो सकता है, आंच हो सकती है, तापमान हो सकता है, फायर हो सकती है, उस कम से कम आंच पर इस खीर को पकने देंगे। और ये बहुत लंबा प्रोसेस है, कम से कम 3-4 घंटे ये लगातार बहुत मध्यम आंच पर सिकेगी, पकेगी, तब इसमें टेस्ट आएगा। अभी इसमें केसर भी डाला जाएगा। ये केसर है, ईरान का केसर है, ईरान का केसर ज्यादा अच्छा माना जाता है। 1 लीटर दूध में केसर के 4-5 रेसे डालने चाहिए कम से कम, ज्यादा आपकी मर्जी है। और इसको जैसे ही खीर बनाएं सबसे पहले डालें, क्योंकि सारे रेशों को घुलने में काफी समय लगता है। केसर ऊपर से तैरने लगा है और ये धीरे धीरे रंग बदल देगा और सारा केसर इसमें घुल जाएगा। अगर केसर की पंखड़ी या रेशा या तंतु, अगर सारा का सारा थ्रेड घुल जाए तो इसका मतलब केसर प्योर है, और अगर सारा तंतु या रेशा ना घुले तो इसका मतलब केसर नकली है। हर 5 मिनट में इसको एक बार चलाते रहें, जिससे कि चावल या दूध नीचे ना जले। अगर गलती से भी खीर नीचे लग गई या बर्तन हल्का हुआ और दूध में जलने की स्मेल हो गई तो खीर का सारा टेस्ट खराब हो जाएगा। केसर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये बिना केसर का दूध है और ये केसर वाला है जो खीर बनाई है। केसर काफी हद तक घुल गया है। अगर आपके पास सफेद लंबे बासमती कच्चे चावल नहीं है तो टुकड़ा भी चल सकता है, टुकड़ा जल्दी घुल जाता है। और केसर या कोई ड्राई फ्रूट हो या ना हो, खीर के लिए सिर्फ 4 चीजें चाहिए। 1 दूध, 2 चावल, 3 चीनी और 4 इसे बनाने के लिए मद्दी आंच। अब ये चावल पकने लगे हैं। जितनी मध्यम आंच पे पकेंगे उतने ही ज्यादा टेस्टी होंगे। खीर जितनी देर तक पकेगी मध्यम आंच पर उतनी ही ज्यादा टेस्टी होगी। खीर को लगातार चलाते रहें, क्योंकि इसमें चावल नीचे बैठ जाता है, और अगर बर्तन का तला कमजोर है या आंच तेज है तो वो जल जाता है। देखिए क्या चावल का रंग हो जाता है केसर डालने के बाद। अब ये चावल धीरे धीरे पकने लगे हैं, इस तरह से ये चावल लगभग पीले हो जाते हैं। चावल की मात्रा 1 लीटर दूध में 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चावल बहुत ज्यादा फूलता है और दूध पक पक कर 1 लीटर का
700 ml या 600 ml तक रह जाता है। ज्यादा अगर चावल आप डालेंगे तो उसमें चावल ज्यादा होगा, दूध कम होगा, खीर का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। और अगर कम चावल डालेंगे तो खीर आपकी पतली बनेगी काफी, मगर टेस्ट उसमें ज्यादा आएगा, रबड़ी जैसा टेस्ट उसमें फिर आएगा अगर आप और भी कम चावल डालेंगे। लगभग 1.5 आवर हो चुका है, इससे ज्यादा ही, 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, और अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर पर पहुंच गई है, उच्चतम ताप पर पहुंच गई है। इसको इस ताप पर पहुंचने के बाद चलाते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप लगातार नहीं चलाएंगे और नीचे दूध जल गया तो उसकी स्मेल सारी खीर को बेकार कर देगी और सारा टेस्ट और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब चावल थोड़ा सा फूलने लगा है, ये देखिए चावल थोड़ा सा मोटा हो गया, और 1.5 घंटे के बाद भी केसर अभी इसमें दिखाई दे रहा है। केसर को घुलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए केसर को सबसे पहले डाल देना चाहिए। केसर की 5 पंखुड़ियां होती हैं, 5 पंखुड़ी में से 3 काम की होती हैं बड़ी और 2 कम काम की होती हैं। अच्छा केसर वो माना जाता है जिसमें 5 में से 3 जो रेशे हैं वही उसके हों, क्योंकि बहुत महंगा होता है, 2 लाख रुपए किलो, 3 लाख रुपए किलो, 4 लाख रुपए किलो, इसलिए फूल की 5 रेशों निकालकर ही बेचे जाते हैं। बहुत कम मात्रा में ऐसा केसर होता है जो 3 पंखुड़ी वाला हो, इसके 3 रेशे हों, वो थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अब चावल फूलकर और भी मोटा हो गया है और धीरे धीरे ये चावल टुकड़ों में टूट जाएगा और इसमें पूरा चावल घुल जाएगा। लगभग 2 घंटे हो गए हैं, अभी 2 घंटे में चावल ऊपर आ गया है। आप अगर ध्यान देंगे तो शुरू में चावल जमीन पे यानी इसके तल्ले में लगा हुआ था और अब चावल ऊपर भी आने लगा है, इसका मतलब खीर अब आधे से ज्यादा आपकी तैयार हो गई है। इस बीच में आप जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको निकाल लें, जितना ड्राई फ्रूट जो आपकी क्षमता में है, किशमिश, चिरौंजी, खरबूजे की या तरबूजे की मींग, काजू, बादाम, अंजीर और केसर आपने इसमें पहले डाला ही है, पिस्ता डाला नहीं जाता मगर ऊपर से उसको काट के शो के लिए लगाया जा सकता है। कुछ लोग गोले भी डालते हैं, कुछ लोग इसमें जो कमल का बीज होता है वह भी डालते हैं, आपके ऊपर है आप इसमें कौन सा ड्राई फ्रूट डालना चाहें। ड्राई फ्रूट निकाल के साफ कर लें और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, जैसे आपको सर्व करने हैं, जैसे खाने हैं। इसमें ड्राई फ्रूट अंदर से भी डाले जाते हैं और ऊपर से भी डाल के सर्व किए जाते हैं टॉपिंग्स के साथ। चावल का जो कार्बोहाइड्रेट है अब वो टूटने लगा है और वो दूध में है यानी जो उसका पानी है उसमें घुलने लगा है, तो खीर अब गाढ़ी होने लगी है यानी जो दूध है वो गाढ़ा होने लगा है। चावल जब तक अपना कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं छोड़ता, जिसको चावल का मांड बोलते हैं, तब तक खीर गाढ़ी नहीं होती, दूध गाढ़ा नहीं होता। अभी ये चावल सब टुकड़ों में टूट जाएगा, पूरा गल जाएगा, घुल जाएगा, तो खीर और गाढ़ी हो जाएगी और ठंडी होने के बाद और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाती है। लगभग 2.5 घंटा होने वाला है, खीर लगभग बन गई है और ड्राई फ्रूट को काट लिया गया है। इसमें आप छोटी इलायची खुशबू के लिए डाल सकते हैं जो हरी वाली होती है। चीनी लगभग 1 लीटर दूध में 50 ग्राम के हिसाब से डालें कम से कम, बाकी हरियाणा में खूब चलती है, चाहे तो आप फीकी भी बना सकते हैं। चीनी का पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए खीर में चीनी डालने के बाद खीर लगभग थोड़ी पतली हो जाती है जो देर तक पकानी पड़ती है।
खीर बन चुकी है, खीर बन चुकी है और अब मैं गैस को बंद कर रहा हूँ। ये ठंडी होगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, घंटे दो घंटे का, तीन घंटे का, उसके बाद में फिर इसमें ठंडे होने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स डाले जाएंगे और ऊपर से टॉपिंग की जाएगी, फिर इसको फ्रिज में रखा जाएगा। फ्रिज में जहाँ हम बटर रखते हैं उस वाले सेक्शन में, रात भर ये फ्रिज में ठंडी रहेगी और सुबह ये ठंडी खीर सर्व की जाएगी खाने के लिए, खीर आपकी तैयार हो जाएगी। जैसे जैसे ये खीर ठंडी होती जा रही है, वैसे वैसे ही ये गाढ़ी होती जा रही है। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो पहले ये चावल दिखाई नहीं दे रहे थे और अब इसमें चावल खूब दिखाई दे रहे हैं। खीर ठंडी हो गई है तो इसमें ड्राई फ्रूट मिक्स किए जा सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट हैं जो बारीक बारीक काट दिए गए हैं, इनको मिक्स किया जाएगा। सारे ड्राई फ्रूट हैं, चाहे तो आप इनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो आप इनको मिक्स भी कर सकते हैं। ये खीर तैयार है, इसको फ्रिज में रखना है और सुबह को सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा के शुभ और मंगल अवसर पर सभी लोगों को बांटना है। धन्यवाद। Shut up.